वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, अगर आप भी रियलमी के फैंस हैं और रियलमी का डिवाइस बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी के ही न्यू और अपकमिंग डिवाइस के बारे में, जो के हैं बेसिकली रियलमी 3 प्रो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, Realme एक Oppo का ही सब ब्रांड है, लेकिन करंटली ये लोग सेपरेट हो चुके हैं। शायद आपको मालूम नहीं होगा, Oppo के नए नए अपकमिंग फ़ोन जो चाइना में रिलीज़ किए जाते हैं, उनको ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इंडिया में लॉन्च किया जाता है, अगर लीक्स और रूमर्स के माने तो। अभी कुछ टाइम पहले Oppo ने चाइना में Oppo K1 लॉन्च किया था। अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, यही डिवाइस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके और प्राइस को थोड़ा कम करके इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है, जिसका नाम हो सकता है Realme 3 Pro। तो क्या है इस फोन के इंपॉर्टेंट फीचर्स, क्या होगी इस फोन की स्पेसिफिकेशन और क्या होगी इसकी प्राइस, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो भी डिटेल्स सामने आई हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ। तो इस फोन का जो सबसे हाईलाइट फीचर्स हैं, वो है इस फोन की डिस्प्ले। तो इस फोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी और इस फोन के डिस्प्ले के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और इस फोन की जो डिस्प्ले है वो बहुत ही खास है, क्योंकि इस फोन में आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है और वो भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। अब ये सुपर एमोलेड जो डिस्प्ले होती है वो काफी अच्छी डिस्प्ले होती है कंपेयर टू IPS डिस्प्ले। और इस फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91% के आसपास देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको डिस्प्ले का एरिया ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल काफी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी Realme 3 Pro में। अब बात करते हैं लुक्स और डिजाइन की। तो इस फोन का लुक आपको दिखने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। हॉरिजॉन्टल शेप में कैमरास दिए गए हैं और ग्रेडियंट कलर का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इन फोटोज पर गौर करेंगे तो जो साइड की फ्रेम है वो काफी थिक दिखाई देती है और फ्रंट साइड पे जो बेजल है वो भी ना के बराबर है। और जो बैक पैनल है वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि इस फोन में आपको ग्लास फिनिश वाला पैनल देखने को मिल जाता है। तो लुक्स और डिजाइन ये फोन का काफी इंटरेस्टिंग है मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, आपको इस डिवाइस का लुक्स और डिजाइन कैसा लगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो किसी भी स्मार्टफोन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस फोन में आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर। अब ये Qualcomm Snapdragon 660 जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, और इसमें जो थोड़े फीचर्स हैं वो Snapdragon 835 के दिए गए हैं। अब आप जानते होंगे Snapdragon 835 जो प्रोसेसर है वो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जो Samsung Galaxy S8 में आता था। तो हमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर से। ये प्रोसेसर 14 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, मतलब आपको काफी पावर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। इस प्रोसेसर का जो खास फीचर्स हैं वो हैं, आपको Qualcomm की क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट मिलता है, तो हमें क्विक चार्ज का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो। इस प्रोसेसर का एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स है, ये प्रोसेसर ब्लूटूथ 5.0 को भी सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ 5.0 के साथ हम दो डिवाइस को एक साथ पेयर कर सकते हैं, और इस प्रोसेसर में फास्टर मॉडेम आता है, तो आपको वाईफाई की स्पीड और नेटवर्क की स्ट्रेंथ बेटर देखने को मिलेगी। और इस प्रोसेसर के साथ हमें एक नया GPU देखने को मिलता है, एड्रेनो 512 GPU। तो ग्राफिक के डिपार्टमेंट में अप टू 30% जितना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब प्रोसेसर तो काफी पावरफुल है और पावर एफिशिएंट है, तो आपको इस फोन के परफॉर्मेंस से कोई भी शिकायत नहीं होगी। अब बात करते हैं इस फोन के कौन से वेरिएंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला वेरिएंट होगा 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, और जो दूसरा वेरिएंट होगा 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम वाला, उसकी प्राइस 14,000 से 16,000 के आसपास रह सकती है, और जो हायर वेरिएंट है 6GB रैम वाला, उसकी प्राइस 18,000 से 19,000 के आसपास रह सकती है। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरास की। तो इस फोन में 16+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें 16 मेगापिक्सल का जो पहला लेंस है उसका अपर्चर है f1.7।
तो लो लाइट में आपको काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी इस फोन के कैमरा से। और इस फोन के कैमरा से आप फुल एचडी पे 30fps पर आप वीडियो भी शूट कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा की बात करें तो इस फोन में आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 25 मेगापिक्सल का। तो इस फोन के सेल्फी कैमरा से भी आपको काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी की, तो इस फोन में हमें 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और साथ में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस फोन के लिए। और बॉक्स के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का एडेप्टर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो ये फोन आपको एंड्रॉइड ओरियो के साथ देखने को मिल सकता है और साथ में ओप्पो का कलर ओएस का यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे चीज़ों की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, यहाँ पे हम सब यूज़ करते हैं मल्टीपल सिम कार्ड, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी होती है जब आप एक नया फ़ोन खरीदते हैं। तो ये फ़ोन ड्यूअल 4G को भी सपोर्ट करता है और ड्यूअल वोल्टी को भी सपोर्ट करता है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस फ़ोन के लिए। तो ये हैं ओवरऑल फीचर्स इस फोन के। अगर ये फोन Realme इंडिया में सही प्राइस पे जल्द से जल्द लॉन्च करता है तो ये फोन मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में सबको किल कर सकता है। आपको ये Realme का अपकमिंग डिवाइस कैसा लगा? उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।